फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट थॉट और मेरा नाम है समीर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोटा में फंसे बिहार के 6400 छात्रों की, जो खुद को इस तरीके से बेसहारा महसूस कर रहे हैं जैसे कि उनका कोई है ही नहीं। और इसका एकमात्र कारण ये है कि बिहार सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बसों को भेज करके वहाँ फंसे उत्तर प्रदेश के सारे छात्रों को बुलाया, मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये पहल की कि वह बसों को भेजेंगे और वहाँ से अपने छात्रों को बुलाएंगे। लेकिन जो बिहार के 6400 छात्र कोटा में फंसे हुए हैं, उनकी सुध लेने वाला बिहार में कोई नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो VIP के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उनके माता पिता सांसद या विधायक और मंत्री नहीं हैं, सिर्फ इसलिए वो वहाँ फंसे हुए हैं। अगर उनके भी पिता विधायक और मंत्री होते और सांसद होते तो वो आज अपने घर में होते और अपने घर में खाना खा रहे होते। मैं मानता हूँ कि भारत सरकार ने लॉकडाउन की पहल की, अच्छी बात है कि सब उन्होंने बोला कि सब अपने अपने घर में रहे, जो जहाँ है वहीं रहे, उन्हें वहीं सारी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन ये चीज़ जो लागू होता था वो सब पे लागू हो रहा था, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बोला गया था। और किसी पार्टिकुलर पर्सन को ये बोला भी नहीं गया था कि आप इस लॉकडाउन को तोड़ करके अपने बच्चों को घर लाइए। ये राइट कभी नहीं दिया गया था कि अगर आप विधायक या सांसद हैं तो अपने बच्चों को कोटा से ले आइए घर। ये राइट नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से। और खुद नीतीश कुमार ने भी यही बात कही थी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को भेजा कोटा छात्रों को लाने के लिए, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही है, उनका मजाक बना रही है। लेकिन खुद बिहार के भाजपा विधायक ने अपनी बेटी को जब कोटा से लाया, उस वक्त सरकार कहाँ थी? कौन सी सरकार ने ये परमिशन दी थी कि आप गाड़ी लेकर के कोटा जाइए और वहाँ से अपने बच्चों को लाइए? तो क्या भारत में दो रूल चलता है, एक मंत्री सांसद और विधायक के लिए अलग और एक आम आदमी के लिए अलग? ये जवाब मुझे आपसे चाहिए दोस्तों। जब आम छात्रों के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई जा रही थी, जब उनको बुलाने का कोई साधन नहीं था, तो फिर विधायक की बेटी कैसे आ गई बिहार, कैसे कोटा से पटना पहुंच गई? वो कैसे एक विधायक अपना गाड़ी लेकर के जाता है कोटा और अपनी बच्ची को लेकर चले आता? क्या वो ये उन छात्रों के साथ अन्याय नहीं है? क्या वो खुद को लाचार महसूस नहीं करेंगे? क्या वो इस अफसोस में नहीं रहेंगे कि आज हमारे भी पिताजी विधायक और सांसद होते तो हमको भी अपने घर ले जाते? ये उन बच्चों का मनोबल तोड़ना नहीं हुआ जो अपने घर परिवार से दूर कोटा में अकेले रह रहे हैं, जहाँ उन्हें कोई देखने वाला नहीं है? क्या नीतीश कुमार ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं? खुद को तो सुशासन बाबू कहते हैं, फिर उन्हें ये चीज़ क्यों नहीं दिमाग में आई? क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई इसके पीछे? क्या कारण रही? क्या सरकार दोतरफा काम कर रही है? आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? ये तो मेरे हिसाब से सीधा सीधा उन बच्चों का के मनोबल के साथ, उनके उनके मन के साथ खेलना होगा दोस्तों। आज वो सोच रहे होंगे कि आखिर हम यहाँ क्यों फंसे हैं, जब पॉलिटिशियन के बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर नीतीश कुमार को ये चीज़ चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, कि वो बस भेजे और कोटा में फंसे हुए 6400 छात्रों को वापस बिहार बुलाए, क्योंकि वहाँ से जो मंत्री विधायक और सांसद के बच्चे आ सकते हैं तो वो भी आएंगे। अगर वो नहीं आते तो मैं ये चीज़ नहीं बोलता, क्योंकि अब वो बच्चे असहाय महसूस करेंगे खुद को। आखिर क्यों सरकार में रहते हुए एक विधायक ने इस लॉकडाउन का मजाक उड़ाया? अगर आप लोग हमसे सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने सही बोला या गलत बोला। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।